बीजेपी नेता बोले, पंचायत ने नहीं किए आदिवासी बस्ती में सड़क पानी और सफाई के इंतजाम, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ेगा। खबर कराहल से है, जहां अचार वाली आदिवासी बस्ती के निवासियों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में विधायक और कराहल पंचायत ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। जगह जगह कीचड़ होती है और सड़क तक नहीं बनवाई गई। आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ को जगह जगह कहीं और बना दिया गया है। हमारे राशन कार्ड तक नहीं बनाए गए हैं। सरकार के विकास की गंगा हमारे मोहल्ले तक तो पहुंची ही नहीं। इस बार सबक सिखाने और बदलाव करने की बात जनता ने कही है। वहीं भाजपा नेता शिवराम शिवहरे बोले कि बीजेपी सरकार की नीति अच्छी है, मगर कराहल पंचायत की लापरवाही के चलते विकास कार्य आदिवासी बस्ती में नहीं हो पाए, जिसका खामियाजा इस बार बीजेपी प्रत्याशी को उठाना पड़ सकता है। सुनिए कौन क्या बोले संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मौजूद है चुनावी चर्चा के लिए ये कराहल ब्लॉक के अचार वाले सहराने में, जहाँ कुछ महिलाएं कुछ पुरुष हैं जो बताना चाहते हैं कि क्या कुछ कार्य हुए हैं। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? गुमानदे जी, क्या लगता है पिछली सरकार में क्या बातें अधूरी रह गई हैं या पूरी बातें हैं? खुश हो या ना खुश हो, क्या कहना चाहते हो? नो के रहा का जामे खरंजा नहीं है हमरे में, बंगला नहीं है हमरे मोहल्ला में, पानी की व्यवस्था नहीं है। जब बोर हो जाता बंद तो हमरो को पानी बिना छोड़ाई पता। तो पिछली बार जो सरकार थी, अभी सरकार थी, उनके कार्यकाल में आपने ये काम क्यों नहीं कराए? करो भी नहीं है, हमरो कछु भी तो नहीं करो। तो इस बार आप क्या मन मना रही हो, क्या क्या मतलब वोट क्या देख कर दोगी आप? वोट तब दंगू तो मेरे में खरंजा हो जागो और बंगला हो जा और... मेरा भाई बराते आता है तो कहाँ पहुँचाएंगे हम, कौन के घर में घुसे रंग नो बताओ। तो सरकार तो कहती है कि बहुत काम किए हैं हमने तो, और विधायक भी कहते हैं हमने तो बहुत काम किए हैं। करवा था देखो, हमारे मोहल्ला में हुआ तो किए दो थे जो है बात, हमारे मोहल्ला में कछु भी नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है हमारे मोहल्ला में, खान दर्द कॉलोनी में, हमारे मोड़ा मोड़ी कॉलोनी में जा नहीं जो है बात। मतलब आंगनबाड़ी जो आपके लिए आई थी वो कहीं और बना दी है? वह बना दी कॉलोनी इंदिरा कॉलोनी में, और ना तो हमारे में जहाँ बंगला और ना खरंजा, और तुम्हारे सामने कीच मचरावा तुम्हारे सामने। आदिवासी महिलाएं कह रही है कि आंगनवाड़ी जो इनके करीब होनी चाहिए थी वो दूर बना दी, इनके बच्चे परेशान होते हैं जबकि वो सब चीजें आती इन्हीं के लिए हैं। जी दादा, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मन्नी नाम है, मन्नी। तो क्या परेशानियां हैं या खुश हो इस बार, तुम किसे वोट करना चाहते हो? हम तो चाह रहे हैं कि अब हमें काम करेगा को वोट दूंगे। तो अभी पिछली सरकार में जो विधायक भी आप ही के थे, आदिवासी विधायक थे, काम नहीं हो पाए आपके? कुछ भी नहीं हुआ, मान के नहीं देखो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करो माना आन के नहीं चलो। तो अभी क्या मुख्य समस्या है तुम्हारे मोहल्ले की? हमरे की जो जो करंजा और जो पानी आलो हो रहा है, जो कीच का। दादा कह रहे हैं पानी की समस्या, खरंजे की समस्या, मूलभूत समस्याओं का अभाव अचार वाले मोहल्ले में देखा जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है जगदीश भाई साहब। ऐसा जगदीश, जगदीश जी क्या कहना चाहते हो, चुनाव आ गए हैं, क्या माहौल है? हमारा माहौल है, हर नेता के जाता है तुम्हारे मोहल्ले सही करेंगे वो करेंगे, गंदगी बहुत फैल रही है, करंजे एक नहीं आया, और एक बंगला की बात है, देवी मैया का चौंतरा पड़ता है, पूरे जाते हैं देख के सब, वो इसकी छत्तर छाया भी नहीं करी हो, लेकिन हमारा जो है हमारे वोट देते हैं हर बार पर, लेकिन अभी करते ही नहीं हो यार। अब देखो नहीं कितना क्या किचड़ है, वीडियो इनका झेलो, वीडियो करो, कैमरा मैन थोड़ा दिखाओ, जो समस्या है इसकी जो ही हमारी कीचड़ तो दिख रही लड़ाई है। होती है कोई बेर कोई लोग लड़ता है। तो इस बार क्या सोच रहे हो, बदलना चाहते हो इस बार? हम तो इस बार पंजे में देंगे, होगा जो दिखे जाएगा भेजो, और कोई नेता बनेगा बन जाएगा। राधेश्याम जी क्या कहना चाहते हो, किसको वोट करोगे इस बार? वोट तो हम तो दे देंगे पंजाब में, कांग्रेस में देंगे। तो कांग्रेस में आप वोट दोगे? क्या सरकार ने आपका कोई कार्य नहीं किया क्या अभी तक? सरकार हमारे माँ बाप मर गए, खत्म हो गए, तब भी बिलने सबका चुका रहो। माँ बाप आपके खत्म हो गए मतलब क्या कहना चाहते हो? जे कहना चाहते कांग्रेस से जीते, कांग्रेस ने सब कछु करवाओ मारो, पहले शुरू में ही गाड़ी बैल लोन सब दवाओ, इनने कुछ भी नहीं करवाओ, हमें तो खाली हमारे जो सुरक्षा हो जाए बंगला जाके, बंगला की और जो करंजा की, और हमारे जो हम हमारे बेटे ने स्थान है वह बंगला बन जाए, नहीं तो हमारे गाँव में बंगला बना दे, नहीं वह बना दो हम जगह पे। महिला कह रही थी आंगनबाड़ी केंद्र भी कहीं दूर बना दिया गया है ना, वो हमारे जो मोहल्ला से केंद्र बह बना दई, इंदिरा कॉलोनी बना दई, और जो भी मोहल्ला से भैंसे जाते है तो ऐके मोड़ा मोड़ी नहीं जा पा, वो तो मोड़ा मोड़ी खाते है खाना पूरे। सरकार थी भाजपा की, विधायक भी भाजपा के थे, क्या कार्य नहीं करा पाया आप उनसे?
हम रोकते हैं बिल ने, फिर बड़ी नीटन रुकते है, नहीं करा कुछ भी। अब की बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, बाबूलाल मेवरा चुनाव लड़ने आ गए हैं, क्या करोगे इस बार? नहीं किसे वोट करना चाहती हो? अब देखो आवांदो देख कछु आगे तेने देखेंगे हम, मतलब कुल मिला के जाए जो विकास कार्य करेगा वो वोट उसको वोट करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद खान है। सईद खान जी आप भी यही निवास करते हो, क्या कमियां रह गई हैं इस बार? कौन इस बार कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, इस मोहल्ले में कुछ भी नहीं हुआ, सगीर भाई का भाई हूँ मैं, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तुम क्या चाहते हो, बदलाव होगा क्या इस बार, हुए कि नहीं हुए? हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। नहीं कांग्रेस को वोट दोगे यानी विकास कार्य नहीं हो पाए भाजपा के कार्यकाल में? नहीं हुए ना, सीताराम ने करे के कुछ भी नहीं करा। बता रही थी मां आंगनबाड़ी का क्या है? आंगनबाड़ी भी नहीं है जामे, बंगला भी नहीं है जामे, ना खरंजा जो कीचगारों के समझ रही हो ही मैं। तो इस बार जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे तुम्हारा क्या कहना है? खरंजा मरंजा कछु नहीं है जामे, जो ही समस्या और का है। और क्या समस्या है आपकी? मेरे पति को जरगा जा के पैसा नहीं मिले मोए तो। नहीं पति की मृत्यु हो गई तो आपका संबल योजना में नाम था क्या? हाँ सब में नाम है, क्या नहीं नाम नहीं रहेगा। कौन सी पंचायत है तुम्हारी? कराल तहसील कर्मी की हूँ। तो आपको पैसे नहीं मिले, आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? अब शिकायत सेक्रेटरी सरपंच सुनेगा जब तो शिकायत करेंगे, हैं वो शिकायत तो कई पर कोई सुने तभी तो है, कोई सुना ही नहीं, सुनवाई नहीं होवे, गरीबन की कोई कौन सुनता है, कोई सुना ही नहीं गरीबन की। तीन अब इन्हें भी तो पालूंगा मैं कछु से, ना घर ना घूरे ना राशन कार्ड ना जमीन ना जायदाद, कहीं मेरे खाना घुसाड़े न मैं कचोरे में। विजय भाई क्या बताना चाहते हो इस बार चुनाव में, क्या मूड बन रहा है जनता का? क्या मूड बना है, ये कम से करार 10-5 साल हो गई, इस जे मोहल्ले का करंजा इधर बिधर भेज दिया, इस सुनवाई कोई मोहल्ले की नहीं है वहाँ पे। नहीं आपके मोहल्ले की सुनवाई क्यों नहीं करते, आपके मोहल्ले की चीज उधर उधर क्यों भेज देते हैं? सरपंच सेक्रेटरी इधर बिधर भेज देते हैं ना, सरपंच सेक्रेटरी आपके मोहल्ले से सौतेला व्यवहार करते हैं? पूरा 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 पक्के पे पूरा सौतेला व्यवहार। क्या क्या काम रहेगा ये आपके मोहल्ले के? भाई खरंजा नहीं निकला, पानी की समस्या, ये नल वगैरह करे इनकी समस्या, और हमारी यही एक समस्या है बस मात्र, यही यहाँ भीड़ हो जाती है, भूली मतलब आदिवासियों की जमीन भी वापस नहीं है, मतलब आदिवासियों की जमीन भी वापस नहीं करा पा रहे हैं सरकार, कोई काम नहीं कर रही। तो इस बार आप क्या सोच रहे हैं, बदलाव चाहते हैं या उसी को वोट देना चाहते हैं? ऐसी समस्या बोल रही है, हम तो सोचते हैं कि सरकार बदल जाए तो और बढ़िया, तो हमारी कोई सुनवाई हो जाए। यानी सरकार बदलना चाहते हैं, तमाम सारी समस्या विजय जी भी बता रहे हैं पुष्कर जी। और क्या कुछ बताना चाहती हो? ना ना जा मैं राशन कार्ड ना कछु की सुनवाई, राशन कार्ड मासन कार्डन की ना मोदी पोदी के कछु के भी पैसा नहीं मिल रहा है। नहीं आपको जो लाडली बहना है ये इतने जो पैसे आपको मिल रहे होंगे? कहीं भी नहीं मिल रही हो आपको आरसी बननी चाहिए हमें, और मेरा बंगला है वो बंगला का 3 सेट होना चाहिए। नहीं तो इस बार आप किसे वोट दोगे, इस बार वोट किसे करोगे अगर आपके मोहल्ले में कार नहीं हुए तो? महाराज वोट तो जो कोई का देते हैं, जो काम करेगा उसे वोट दोगे क्या? वो काम करेगा उसका जी वोट देंगे। कराल में विकास के लिए सरकार शासन द्वारा इतना धन आता है कि अगर मूलभूत समस्याएं जितनी भी आज बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि उस पैसे से सभी की समस्या सॉल्व हो सकती हैं, पीने के पानी की समस्या भी दूर हो सकती है, और अभी गली मोहल्लों में जो पानी की और सड़कों की जो दुर्दशा है वो आज हम ये देख रहे हैं कि कीचड़ है, गंदगी है, पानी जगह जगह गड्ढों में भरा हुआ है, और जन समस्या इतनी है कि मैं और भी गिना सकता हूँ, लेकिन मूलभूत हमारे अभी मोहल्ले में अचार वाला सहरानी में जिसमें मोहल्ले में हमारे लोग निवास करते हैं, हम भी निवास करते हैं वहाँ, आज तक जब से देश हमारा आज़ाद हुआ और आज तक हमारे यहाँ सब सी सड़क नहीं बनी है, क्योंकि ये दुर्व्यवहार पंचायत द्वारा किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है सरपंच, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा भी जो समस्याएँ हैं, सबसे मूलभूत समस्याएँ हैं पानी की और आपकी सड़क की, ये सड़क भी ऐसी बनाई जाए कि दोनों साइड में नाली हो, क्योंकि नाली ना होने से सड़क में पानी भरता है, अगर नाली होगी तो सुचारू रूप से वो पानी निकलता बाहर निकलता रहेगा, और साफ सफाई भी है कि अगर मेन रोड पर साफ सफाई हो रही है तो गली मोहल्लों में भी साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए,
जबकि इनके पास इतना बजट होता है कि व्यक्ति की मूलभूत समस्याओं का समाधान ये कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, क्या राजनीतिक इन पर दबाव रहता है या राजनीतिक दोष भावना के कारण ये लोगों के विकास कार्य नहीं करवा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है इस बार जो चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है तो ये सब कारण नहीं बनेंगे अब तुम्हारी सरकार को गिराने में, ये जो मूल सुविधा जो मिल नहीं पा रही है आदिवासियों को, इनका क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव पर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जरूर शासन स्तर पर अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को जैसे राशन कार्ड की समस्या है, कई और ऐसी समस्या है, अगर वो ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर वो सॉल्व नहीं हो रही है तो शासन को इसका नुकसान हो सकता है। आने वाले भविष्य में भाजपा को भी इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर भाजपा वहाँ से नीति तो बनाती है शासन, लेकिन यहाँ के जितने भी जो कारण हैं वो यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं करवा पाते हैं, तो जनता को उसका भुगतना मतलब भुगतना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि कराल पंचायत द्वारा शासन की योजनाओं को दुर्व्यवहार किसी किसी वार्ड में किया जा रहा है, जिससे हो सकता है कि इस बार आने वाले चुनाव में इसका कामयाब सरकार को भी भुगतना पड़े।